हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो हर दिन की तरह हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक वीडियो लेकर के आते हैं, ताकि आप उस वीडियो को देख करके अपने हार्डवेयर में जरूर कुछ ना कुछ सुधार कर पाए। तो आज है हमारे लिए Redmi का Note 5 LCD लाइट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, और ये सेट जहां तक कि दूसरे कस्टमर से लौटा हुआ है, शॉपकीपर से लौटा हुआ है, तो चलिए इसको हम डायग्नोस करते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी जो हमारे पास एक फोन है जो कि Redmi का 5 है, और इसमें काफी ज्यादा काम किया हुआ है, बोर्ड पे मैक्सिमम काम किया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट जो इशू है इसमें डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है, जिसमें कि यहाँ से कॉइल निकाला गया है। तो सबसे पहले हम ये कॉइल लगाएंगे, उसके बाद इसकी लाइट चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कॉइल लगाने से पहले कहीं ना कहीं जो अगला टेक्नीशियन है वो जरूर लगाया होगा, लेकिन लाइट आया नहीं होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो हम इसकी एक बार सॉर्टिंग चेक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ कॉइल डालेंगे। ये इसका VPH है, इनपुट 188 है। देखिए डायोड का जो आउटपुट है 133 के करीब में आ रहा है, यहाँ से ये फ्यूज कॉइल लग करके। तो यहाँ से सबसे पहले हम चेक कर लेंगे इसका सॉर्टिंग। देखिए ये तो हमारा VPS सही है, और यहाँ से ये भी सही है, और आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट 136 के करीब में आ रहा है, जबकि आउटपुट हमारा 250 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी ओनली 4GR ले रहे हैं कि आखिर ऐसा तो नहीं कि जहाँ भी किया होगा ये इन्होंने कॉइल नहीं डाला होगा, जरूर डाला होगा लेकिन काम नहीं हुआ है। 128 डिस्प्ले की आउटपुट पे चेक करेंगे, सेम है 126। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ ना कुछ सॉर्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो इसकी आउटपुट लाइन है, अगर आप डायोड वैल्यू मिलाएंगे बोर्नियो वगैरह से, तो जरूर आपको यहाँ डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम हमारा 300 होना चाहिए, 300 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस लाइन में हमारे 1, 2, 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक यहाँ डिस्प्ले के कैप पे लगा हुआ है, डिस्प्ले के जैक पे, और 2 यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ हम सबसे पहले चेक करेंगे किसी न किसी एक कैप को निकाल करके कि हमारा सॉर्टिंग जाता है या नहीं जाता है। सबसे पहले बड़ी कैप करते हैं, क्योंकि ज्यादातर वोल्टेज में लोड इसी पे होता है। इसको निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कोई डिफरेंस आया या नहीं, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने दें। देखिए 285 के करीब आ गया, और ये बढ़ेगा, अभी बोर्ड गर्म है, ठीक है। 312, 314, 315 मेरा जो रीडिंग हमें चाहिए था वो आ चुका है, यहाँ भी अब आप मिला सकते हैं कि 330 के करीब में रीडिंग यहाँ आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ पता चलता है डायोड वैल्यू से, अगर आप बोर्नियो का इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी स्कीमेटिक डायग्राम का, उससे ये पता चलता है, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल वैल्यू है वो आ चुका है, इसका मतलब ये कैप में दिक्कत थी। मैं ये कैप आपको चेक करवाता हूँ, देख रहे हैं, अब हम इस पर मीटर सटा रहे हैं। देखिए 130 का वैल्यू ऑटोमेटिक आ रहा है ना, और अगर आप लोग कंपोनेंट्स के बारे में जानते होंगे तो कैप की खुद की कोई वैल्यू GR वैल्यू नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। देखिए 130 का आ रहा है, हमारी ये कैप खराब है, श्योर खराब है, अब आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं डायोड वैल्यू से काम करने से कितना फायदा होता है। अब हम किसी दूसरे बोर्ड से निकालेंगे कॉइल और कैप, कोई भी अगर आपके पास स्क्रैप बोर्ड है वहां से कॉइल कैप आप निकाल के काम कर सकते हैं। अब
और इस तरह के कंडीशन में अगर हम क्या वहाँ कॉइल लगा दें तो हमारा कॉइल तुरंत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट लगता है बोर्ड में, जिससे वो कैप कॉइल जो है वो शॉर्ट कर जाएगा। इसीलिए पहले हम सर्किट की चेकिंग कर लेंगे कि हमारा सर्किट कैसा है, उसके बाद ही वहाँ हम कंपोनेंट्स डालेंगे, क्योंकि कॉइल लगाना बड़ी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है प्रॉब्लम को पकड़ना। ठंडा होने देंगे और फिर से हम अपना वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि 330 के करीब में हमें वैल्यू मिलना चाहिए। चलिए हम कैप से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी बोर्ड हमारा गर्म है बहुत ज्यादा, बोर्ड को ठंडा होने देंगे तब आपका वैल्यू सही आएगा, क्योंकि हीट होने के बाद वैल्यू में डिफरेंसेस आ जाते हैं। देखिए 314-15 के करीब में आ रहा है हमारा वैल्यू, ठीक है, यानी कि वैल्यू सही है यहाँ पे। और लाइट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 304 के करीब में वैल्यू आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम मुझे मिला वो कहीं ना कहीं डायोड वैल्यू के मिला वजह से मिला। अगर डायोड वैल्यू का अगर प्रॉपर आइडिया ना हो तो फिर आपके प्रॉब्लम आपके सामने होंगे और आपको दिखेगा नहीं। और अगर आप देखेंगे तो देखिए कि इसका लाइट जल चुका है, ठीक है, आ चुका है लाइट। तो आप समझ गए होंगे कि एक GR वैल्यू क्या मायने रखता है आपके ट्रेसिंग के लिए, आपकी फोन की डायग्नोसिस के लिए। तो इस तरह के अगर आप टेक्निक और ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हमारी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। ओके।